कि अब आपका संकल्प पूरा होगा। संकल्प आपने बहुत सारे लिए थे, 18 कौर खाना बीते लगभग 22 सालों से, और सिले हुए कपड़े ना पहनने का संकल्प, ये संकल्प पूरा होगा। मैं चाहूंगी कि इस चर्चा का समापन आप किसी दोहे या चौपाई के साथ करें। देखिए, 22 साल पहले मैंने संकल्प लिया था कि अयोध्या में मैं कोई अपना आश्रम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन पाएगा, मैं सेवक हूँ, किसी झोपड़ी में, किसी मठ मंदिर के किसी कमरे में व्यतीत कर दूंगा, वो भी साधना मेरी पूरी होने वाली है। मैंने 18 कौर खाने का संकल्प लिया था, आज 23 साल हो गया, मात 18 कौर पाता हूँ, भूख लगती है तो प्रभु राम का नाम लेके सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अयोध्या में रह करके राजमहलों में रहूं, और मेरे परमात्मा मेरे राम मेरी माँ जानकी टेंट में वास करें, मैं सेवक हूँ ऐसा नहीं कर सकता, वो प्रतिज्ञा मेरी भी पूरी हो रही है। राम लखन सिय बिन पग पनही, धरि मुन भेष फिरही बन बनही। 14 साल परमात्मा कोई कपड़ा नहीं पहने थे, तो मैं भी कोई वस्त्र सिला हुआ नहीं धारण करूंगा, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, वो प्रतिज्ञा भी मेरी पूरी हो रही है। बहुत अच्छा रहा, आज मुझे महाराज जी के गुरुदेव पूज्य देवराव बाबा के परम शिष्य, जिनके संकल्प से ये पूरा हो रहा है, अयोध्या में सब मिल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, राम का महल भी मिल रहा है, अपने महल में भी जाएंगे, अरबों खरबों रुपया पैसा खर्च हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर महाराज जी अयोध्या वासियों के पास नहीं है। जब राम जी आएंगे, इधर उधर देखेंगे, रोएंगे, तो यही प्रभु राम कहेंगे कि अयोध्या वासियों की कृपा से मुझे अयोध्या मिल गई, मेरा राम मिल गया, मेरा लक्ष्मण मिल गया, मेरा शत्रुघ्न मिल गया, मेरी जानकी मिल गई, अयोध्या के सब लोग मिल गए, लेकिन वो मेरे बच्चे नहीं मिले जो मेरे ऊपर शहीद हो गए थे, वो बालक नहीं मिले जो मेरे नाम पर शहादत दिया था, आकाश में शायद उन आत्माओं के आंखों में आंसू गिरेगा और राम जी बिलख पड़ेंगे, जब जब राम अवध सुध करही तब तब बार बिलोचन वही। अयोध्या की सुखद घड़ी एक छोटी सी पुस्तक भी आप लोग पढ़िएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द शतगुना रिटन बाय करण सिंह, फाउंडर ऑफ द कृष्ण जन्मभूमि, उसमें राम से एक प्रश्न पूछा गया था, हाउ मैनी मदर हैव यू, आपकी कितनी माताएं हैं, तुम्हारे प्रभु ने कहा जब मैं 4 साल का था तो तात सुमंत की अंगुली पकड़ करके बीथगांव में जाता था, गिर पड़ता था, वहाँ की माताएं मुझे उठा ले जाती थीं, अपना अस्तन मेरे मुख के पास रख देती थीं, तो अयोध्या में जितनी माताओं का मैंने दूध पिया है वो सब मेरी माताएं हैं, और ऐसे ही लग रहा है अयोध्या के जितने मंदिर हैं सारे मंदिर में माताएं हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, साथ साथ सज रही हैं, साथ साथ सज रही हैं जनक की दुलारी, साथ साथ सज रही हैं। अयोध्या में आप आए हैं तो परमात्मा की खोज कीजिए, चले जाइए कनक भवन पे, वहाँ बैठिए, रोइए, परमात्मा को तलाश कीजिए, अयोध्या में मिल जाएंगे। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, भैया पड़े रहो, बहिनी पड़े रहो, भैया पड़े रहो, बहिनी पड़े रहो, साधो पड़े रहो,
कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। ये हमारे अयोध्या के इतिहास है, लेकिन वास्तविकता कुछ दूसरी है। लेकिन कुल मिलाकर करपात्री जी, वो घड़ी अब नजदीक आ चुकी है जिसका इंतजार था, उसको महसूस करना, उसको देखा जाना, उसको जीना, उसके साथ मरना एक अलग अनुभव हो सकता है। लेकिन आज खुशी की बात यही है कि प्रभु राम विराजने वाले हैं अपने निज क्षेत्र में, और उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी है।